वाह क्या ब्यूटी जगह है भाई, वाह वाह कसम गाइस। वो दिखाई दे रहा है ये जो नीचे का जो है ये ब्रिटिश है। अरे यो यो गर्म की अच्छा से छू नहीं पा रहे वो ना, इतना इतना छूना छुआने की ट्राई कर रहे हैं। अभी देखो घोड़ा छुएगा यहाँ पे, देखो भाई छुए 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 छुए। हेलो हेलो कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज इतना जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ कि समय नहीं मिल रहा इंट्रो करने के लिए भी। साथ है कैलाश, हम लोग जा रहे हैं ADRE एग्जाम देने जो कि आसाम के बहुत ही चर्चित एग्जाम है, ठीक है। एंड सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। कल हम लोग बाइक पे, जो कि मेरा बाइक जो है अभी थोड़ा ख़राब है तो बाइक तो चेंज करने के लिए सोचा है, लेकिन जो मेन जो चेंज करने वाला था उसका बाइक वो जो कहाँ चला गया। लेकिन हम अभी सोच रहे हैं कि ये टूटा फूटा ख़राब वाला बाइक से चले जाएंगे। एंड आज का हम लोग डेस्टिनेशन करीबन 40 किलोमीटर तय करने वाले हैं। आज का है ना धेमाजी पी एग्ज़ाम सेंटर हम लोग का गिरा है, तो धेमाजी रूपनाथ ब्रह्मा पे मेरा और इसका जो अलग अलग उसमें है, तो ये कुछ नज़ारे हम लोग जा रहे हैं अभी। अभी यहाँ से हम लोग बाइक चेंज करके ये बाइक चेंज के वो वाला बाइक लेके जाने वाले। वही है कि हम लोग पहले से रुक रहे थे बट हमें पता ही नहीं था यहाँ पे थे, तो चलो चलते हैं यहाँ से भी। अभी आ गया बाइक का मालिक। हमारा गांव का रास्ता भी इतना ही ख़राब है कि हमें 1 घंटा का रास्ता में 2 घंटा लग रहे हैं, तो होने से तो पॉसिबल नहीं कि हम लोग टाइम पे पहुंचेंगे। तो आगे भी जाके हमें दोस्त को भी लेना है, दोस्त लोग भी हमें रुक रहे सिर्फ पानी पे। अभी हम लोग आ चुके पे पहुंच चुके फुलवारी पे, 2 नंबर फुलवारी पे। पहले इतना उधर है जगह यार, खाली खाली उधर है नहीं और ना कुछ भीड़ से कला। तो फिलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ एग्जाम सेंटर पे, एंड यहाँ पे जितने भी सारे सब हैं एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए, तो मुझे यहाँ पे फ़ोन रख के जाना होगा कि आगे पे मुझे ना फ़ोन एलो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मैं लाइन पे बैठा हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस मैं एग्ज़ाम दे के आ चुका हूँ एंड मैं हाईवे पर अपने दोस्त को रुक रहा था, एंड यहाँ से अभी निकल के हम लोग चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि हम लोग जाएँगे अभी प्रदेश की ओर। अरुणाचल को चीरते हुए जा रहे पहाड़ के बीचे बीच, एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं आलो की ओर। करीबन हम लोग आसाम से 50 किलोमीटर के बीच अंदर पे घुस चुके हैं। सोचे थे कि बीच में अच्छा वीडियो बनाएंगे बट वो एक ही समय हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। नज़ारे चेक करें, मैं जो हूँ ना अरुणाचल में फास्ट इतना लॉन्ग ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है चलाने के लिए। जा रहे धीरे धीरे और मेरा जय कुछ नज़ारे चेक कर सकते, क्या ही मस्त नज़ारे। ओह माय गॉड, वो हेवन हेवन। कॉल ब्यूटी अरुणाचल प्रदेश है ना, इसलिए तो लोग अरुणाचल से बाहर से इतने विजिट करने आते हैं अरुणाचल पे, शायद इसी की वजह से। और हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं गारो के सामने, क्या ही मस्त नज़ारा, हमने मिस कर दिया आप लोगों को दिखाने। तो उत्तरी दिशा में होंगे तो जरूर आप लोगों को दिखाएंगे, फिलहाल तो अभी हम लोग मिस कर चुके हैं। तो घूमते घूमते हम लोग पहुँच चुके हैं ईगो पे, एंड करीबन हमें यहाँ पहुँचने के लिए 3 घंटा लगा। हमारा बाइक का ब्रेक भी है थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए दीखावली से लेके आलो का ये रेस का जगह है, तो हम लोग भी रेस कर रहे हैं। हम ज़रा ना पहले से काफ़ी डेवलप हो चुके हैं लेकिन जी देख रहे, तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा कुछ खाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। एंड मेरा किचड़, मेरा शू भी जो है इतना किचड़ हो गया है जी देख रहे। जय का तो बिल्कुल मस्त है, क्योंकि उसका वो जो पीछे बैठा था ना, तो उसका का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा जो गियर उठाना पड़ता ना, इसलिए बाइक से बाइक ऐसे करके, तो वही कारण से मेरा शू का हालत कैसा लग रहा है जो यहाँ पे आके। मेरा ड्राइविंग स्किल कैसा लगा आपको? तो ज़्यादा हो गया रेस्ट बाजी, निकलते हैं अभी यहाँ से, चलो। तो आप अभी मैं यहाँ से जय को दे बाइक चलाने देने वाला हूँ, पता नहीं वो कितना अच्छा चला लेते हैं, वो भी तो इतना, वो तो हमसे भी एक्सपीरियंस वाला नहीं है हमसे भी ख़त्म वाला है। हम लोग के पास 2 हेलमेट है लेकिन हम एक ही पहन रहे हैं, जो ड्राइवर है ना उसको पहनने दे रहे हैं। एंड चलते हैं अभी यो से अब अगले डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि बासार की ओर चलते हैं, ठीक है। मंजिल की ओर, अगली मंजिल की ओर चलते हैं अभी। एंड सोचे थे कि यहाँ पे जो बस पे एक दोस्त आ रहे हैं हम लोग के, उन लोग उनको रुकेंगे, बट वो लोग बहुत ही लेट है, तो चलते हैं अभी यहाँ से आगे जाके रुकते हैं वो लोग, आगे जाके मिलते हैं आलो पे, मिलते हैं वो लोग, लेट्स गो। अभी मौसम पे कितना सुहाना लग रहा है यार। एंड दिरची भाई के गांव पे हम लोग पहुँचने वाले हैं बासार पे। सर दिरची भाई अगर आप देख रहे हैं तो आपका बस्ती पे हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो आपका स्वागत करिए भाई नज़ारे गाइस, वाह
क्या मस्त है अरुणाचल पे। अंदर अंदर के गांव है, वहाँ पे इंजॉय जाने का मजा ही अलग होता है। जो झूम खेती जो होते हैं वो उसके बारे में तो मैंने देखा भी है, सुना भी है, लेकिन जो प्लेन एरिया पे खेती होते है वो मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन आज आके यहाँ पे मैंने देख लिया। तो ऐसे लगा कि आसाम के, आसाम में सिर्फ नहीं होते, बाहर अरुणाचल भी होते है ना। वाओ यार मस्त मजा रहे यार। अभी लग रहा है कि ठंडा मौसम आ गया है, कि अभी हमें यहाँ से ठंडा का ठंड यानी कि ठंड लग रहे है ना। वाओ क्या ब्यूटी जगह है भाई, वाह वाह कसम गाइस। एक्चुअली मुझे ना पहले पीछे बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि मैं पहले बैठ जाने से आपको बहुत ही अच्छा अच्छा जगह दिखा पाता, पर क्या करे। सच बोलूं तो गाइस मुझे पहाड़ियों से प्यार हो गया है। देख रहे हैं यार क्या मस्त जगह देखने को मिल रहे है। सच कहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी यहाँ पे घर बना के बैठ जाओ, पर क्या करे मेरा यहाँ पे पैसा नहीं है, अपना मिट्टी नहीं है ना। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ का अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ का लोकल लड़की को शादी करके मैं यहाँ पे घर बसा लूँ। तो मुझे इन पहाड़ियों पे प्यार हो गया है कसम गाइस, झूठ नहीं बोल रहा आप लोग है ना, सच में दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे पहाड़ियों से बहुत प्यार हो गया, क्योंकि यहाँ का जगह इतना मस्त है। आप लोग देख सकते हैं यार, ओह माय गॉड क्या बताओ यार। अगर मेरा बस चले ना मैं हर हफ्ते में इन पहाड़ियों पे घूमने आया करूँगा। गाना गाने का दिल कर रहा है यार, कोई पहाड़ का गाना याद करो, कोई पहाड़ का गाना याद करो तो पहाड़ का गाना क्या है, पहाड़ का गाना याद नहीं आ रहा कैसा भी मुझे। पहाड़ी गाने कुछ याद है, पहाड़ियों में है ऐसे कुछ, ऐसे कुछ गायन नहीं क्या पहाड़ी, हाँ मुझे कोई फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है। ऊंची है बिल्डिंग, हाँ ये तो कहा बिल्डिंग का सॉन्ग है। छोड़ो, और कभी कभी आपको अरुणाचल पे पहाड़ के पीछे पीछे से कुछ मंदिर पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि ना जो लोग दूर दूर से ट्रेवल करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये पूजा मंदिर बनाए जाते हैं, कि यहाँ पे आके वो लोग भी पूजा करें, अपना ट्रेवल अपना सफ़र जो अच्छा करें है ना। तो चला रे भाई इन पहाड़ियों पे, बाजार भी पहुंच गए हम लोग इतने जल्दी। हम लोग बाजार का ये नज़र आपको दिखाता हूँ आराम से मेरी जान, ऐसा तो हुई है, लेकिन हाँ हम लोग जो है गलत रास्ता आ गए, रास्ता तो वही है बट क्या कि हम लोग जो पुराना रास्ता पे जो ओल्ड रास्ता है वो रास्ता पे आ गए, वहाँ पे दूसरे रास्ते भी थे कि नए नए बनाए वाले, लेकिन हमें वो रास्ते के बारे में अंदाज़ा नहीं था, तो हमें अभी दूसरा रास्ता मतलब पहले का रास्ता जाना हुआ, तो थोड़ा रास्ता ख़राब ही है ये वाला। आजकल लगता है ये वाला पूरा दुकान भी बंद हो गई। अभी हम डेस्टिनेशन के 20 किलोमीटर के आसपास में है, तो यहाँ पे आके बाइक को चेक करें कि बाइक का टायर भी इतना गर्म है, और डिस्क ब्रेक चेक किया था इतना गर्म है कि अच्छे से छूट नहीं पा रहे हैं, इंजन भी काफ़ी गर्म हो गया, तो रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और आप लोगों को ये जगह दिखाता हूँ, कैसे जगह है दिखाने वाला, इस जगह पे हम लोग रुके हैं अभी, काफ़ी थक गया एंड भूख भी काफ़ी लग रहा है। तो आपको भूख लग रहा है भाई, लग रहा है तो काफ़ी भूख भी लग गया यहाँ पे आके, तो वही ये थोड़ा हल्का होने के लिए रुके थे 2 नंबर के लिए, तो वही ये टाइम भी मिल गया। तो अभी हम लोग जाने वाले एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे, साथ ही साथ आपको भी लेके जाएंगे। तो हम लोग रेडी हो के आ चुके हैं, और मेरे साथ मेरे दोस्त भी रेडी हो गए, हमारे साथ सभी लोग जा रहे हैं। ये लोगों ने मेरे हाथ पे मुझे बॉयलर जो थमा दिया है, एंड जो पीछे का यहाँ का व्यू जो है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पे इतना ही गर्म था कि मैं आगे सीधे नदी पे घुस गया, और यहाँ पे हमारे जितने भी लड़की दोस्त है सब लोग गर्म से लथपथ होकर बैठ रहे हैं, और हम लड़के जो है यहाँ पे चिकन बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं, और ये है हमारा आज का बर्थडे गर्ल का बर्थडे केक, और यहाँ पे इतना सारा खाना, और यहाँ पे हम लोग केक काटते हुए। और गाइस इतने के बाद हम लोग चले गए रील्स बनाने के बाद हम लोग निकल गए सीधे घर की ओर। तो हेलो गाइस दिस इज अनदर डे, इनके जो वीडियो पे है हम लोग ने यहाँ पे आया, काफ़ी थक गए थे, इसके बाद हम लोग कुछ दिखाने के नहीं मिले। आज हम लोग नए सफ़र तय करने वाले हैं, यानी कि हम आज यहाँ से लेके पसीघाट के ओर जाने वाले हैं। इस रेस्टोरेंट पे कुछ खाने के लिए रुके थे,
लासा रेस्टोरेंट था ये है ये रेस्टोरेंट एंड काफ़ी मज़ा लगा खा के यहाँ जाएंगे अभी। अभी हम है पहाड़ों के बीचों बीच कुछ इस तरीके का जगह पे जहाँ पे कीड़ा मकड़ों का उनका सिर्फ आवाज़ सुनने को मिल रहा है और यहाँ पे इतना ही गर्म है कि ये जो हमें ऐसे पहनना पड़ रहा है क्योंकि बहुत यहाँ का धूप ना बहुत ही ख़राब है। ये जो हाथ दिखाई दे रहे जो मेरा घड़ी का जो जहाँ पे घड़ी लगाते हैं वो जो इतना था जो मेरा रंग जो इतना था पहले लेकिन यहाँ पे जो कितना काला कर दिया हाथ जो। तो अब मैं पीछे बैठा हूँ बाइक के पीछे बैठा हूँ मैं अभी यहाँ से मैं आप लोगों को बढ़िया सा नज़ारा दिखाते हुए लेके चल रहा हूँ। ये गाइस चेक करें क्या ही मस्त जगह है यहाँ पे। अभी हमें दो रास्ता मिलेगा सर जाना होगा पासीघाट के लिए और अगर ये सर जाएंगे आप मैं चुका वो सर जाना होगा दूसरा रास्ता से। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही बढ़िया जगह देखने को मिला तो हम लोग यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे देख सकते हैं यार यही मैंने बहुत जगह पे देखे थे ये जगह लेकिन आज जगह पता चला कि ये जगह यहाँ पे है। गर्म में भी इतना ज़्यादा है ना क्या ही बोले। वाह क्या बनाने चाह रहे हो गए ये आप लोग देख सकते पीछे में क्या ही मस्त है भाई बन है क्या कितना कूल आओ ना नहीं आएगा क्या भाई कितना कूल दिखाया जा रहा है यार मुझे लग रहा है कि बन है क्या लॉक है क्या यहाँ से तो लोग ये जो अरुणाचल का जो लोकल ट्राइब है ना उन लोग का दर्शाया जा रहा है मेरे ख्याल से। जब उन लोग जब ब्रिटिश का टाइम पे होते थे ना तो यहाँ के आदमी लोग कैसे लड़ते थे वो दिखाई दे रहा है। ये जो नीचे का जो है ये ब्रिटिश है फॉरेनर है और ऊपर का ये जो आई थिंक और ये हमें यहाँ पे ना एक नदी देखने को मिल रहा है ये जो स्यांग नदी बोलते हैं इसका ना स्यांग नदी बोलते होंगे शायद स्यांग नदी होना चाहिए क्योंकि यही नीचे जाते हैं जी। काफ़ी बड़ा नदी है लेकिन फ़ोटो पे इतना अच्छा दिखाई नहीं दिख रहे चलो अब यहाँ से फ़ोटो वोटो मार के उसके ऊपर निकलते हैं। अब यहाँ से फिर मैं ड्राइव करने वाला हूँ तो आप लोगों को थोड़ा देर रुकने पर रहेंगे शायद क्योंकि मैं ड्राइव करता हूँ जब करता हूँ ना तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा तकलीफ़ होते हैं जब मैं पीछे बैठे तभी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा रुकना पड़ेगा जब तक मैं पहाड़ियों पे ऐसे आ जाने से ना बहुत तकलीफ़ होते हैं हम लोगों को एंड अभी हम लोगों को आसाम दिखाई दे रहे हैं यहाँ से प्लेनियर एरिया होते हैं ना वो देखने को मिल रहे हैं ऐसे लग रहा है कि अभी हाँ हम लोग पासीघाट पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे हवा जो इतना ज़्यादा ही मार रही है कि क्या है बताओ अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि अभी क्या था कि हम लोग मरते मरते बच गए रास्ता इतना ख़राब था कि हमारे उस पर चले गए रास्ता बहुत ख़राब है तो हमें थोड़ा धीरे से धैर्य से जाना पड़ेगा। ओहो सोच रहा कि रास्ता इतना ख़राब होगा क्योंकि आराम से जाएंगे सोच रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहे कि पता है क्योंकि रास्ता जो डाउन पे है तो ब्रेक मारते जाना पड़ रहा है इतना खा के आए थे अभी सब निकल गया ऐसा लग रहा है क्योंकि इतना ब्रेक खींचना पड़ रहा है मुझे ब्रेक भी काम नहीं कर रहा क्योंकि इतना ही डाउन है। फाइनली हम लोग पासीघाट पे पहुंच चुके हैं अभी जा रहे दोस्त क्या क्या हाल ही लगा रहे हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्त का रूम पे सोच रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गया क्योंकि इतना लॉन्ग ट्रेवल करके आया नज़ारे। मैं जो अभी दोस्त का रूम पे आ चुका हूँ मैंने आते ही मैं तो लग गया काफ़ी भूख लग रहा था तो खाना खा रहा हूँ अभी खाने के लिए कर रहा हूँ दोस्त जो है घर में बैठ रहे हैं मैं दो लोगों को दिखा दूँ आपको बैठ रहे सब लोग जाओ ना तो दिखाई नहीं दे रहे